यू आर नॉट लिविंग इन द कंट्री आप पूरी ग्लोब में रह रहे हैं यू आर नाउ ए पार्ट ऑफ दिस डिजिटल एरा पूरी ग्लोब में रह रहे हैं किस चीज़ की वजह से इंटरनेट की वजह से डिजिटलाइजेशन की वजह से जिसको हम डिजिटल कहते हैं डिजिट से निकला ये बाइनरी लैंग्वेज हुआ करती थी हम आज से 20 साल पहले जब कंप्यूटर साइंस को सीखते थे तो हमें बाइनरी लैंग्वेज सिखाई जाती थी बाइनरी लैंग्वेज क्या है ये डिजिट्स की लैंग्वेज है इस मशीन को समझ आती है आप मशीन को कोड देते हैं मशीन तुम्हें मैं रिस्पॉन्स करता है उसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया एक मुट्टी में बंद हो गई अगर तुम्हारी कंपटीशन पेशावर में नहीं है तुम्हारी कंपटीशन पुख्तनख्वा में नहीं है तुम्हारी कंपटीशन पूरे पाकिस्तान में नहीं है तो फिर तुम्हारी कंपटीशन पूरी दुनिया में अब जब पूरी दुनिया में तुम्हारी कंपटीशन है तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए जो दुनिया की जो इलीट क्लास है या दुनिया जहाँ पर वैल्यू देती है वहाँ पर कंपीट कर सके वो स्टेट ऑफ माइंड हमारा है नहीं क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमारे लाशूर के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबतें मसाहब एक्शन और प्रोग्रामिंग हो गई है कि हम चाहे ना चाहे सब कॉन्शियस माइंड में दुनिया के लिए कीमती नहीं है हम मार करते हैं बदला लेते हैं हसत करते हैं मुकाबला करते हैं थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं झूठ बोलते हैं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें प्रोग्राम हो गई है वीन ऑब्जर्विंग हम सालों से आप अपनी जिंदगी को देखे डेट ऑफ बर्थ से अभी तक डेट ऑफ बर्थ से अभी तक टेलीविजन पर देखने वाला हर एक्शन कान से सुनने वाली हर आवाज आंखों से देखने वाली हर बिहेवियर तुम्हारी आदात का हिस्सा है तुम चाहो या ना चाहो इट्स ए पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड सम टाइम सम समवेयर किसी ऐसी सरकमस्टांसिस में तुम ऐसे रिएक्ट करते हो कि दुनिया कहती है यार स्टॉप हिम स्टॉप दिम इसको रोक दो ये दो दिन पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप है कॉलेज का ग्रुप ऑफ कॉलेज लिखते हैं अपने साथ मैं नाम नहीं लेता वो पंजाब के हैं वो मेरे ऑफिस में आए उसे कहा वी हैव ओपन कैंपस इन पिशावर ये रिंग रोड पर आ गई हमने अपना कैंपस खोल दिया और बड़ी जगह पकड़ी आपकी वीडियो शीड्यूज वगैरह आती है हम देखते हैं तो आपसे मिलने का हमारा इश्तिया हुआ कि आप हमें ज़रा बताएं कि यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड क्या है ये जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बच्चा पढ़ता है ये चाहता क्या है हम तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए तो मैंने कहा आप ये बताओ कि आपके पास जो फैकल्टी है आप किस किस्म की फैकल्टी को लेते किसी पठान को तो हम नहीं लेते पठान को नहीं लेते अब मैं पठान हूँ अब होना चाहिए मुझे गुस्सा आता तो मैंने स्माइल दी तो सामने वाले ने कहा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग के अब ये लफ्ज़ सुनेंगे शायद तुम्हें गुस्सा आएगा मैंने कहा नहीं मैं सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके आया हूँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ आई अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद यू तो मैंने कहा पठान को क्यों नहीं लेते कहते ये मारता है टुड्डा लगाता है ये साजिश करता है साजिश ही है लिक पुलिंग करता है से ज्यादा बोलता है फैंटेसी ज्यादा क्रिएट करता है बदला लेता है नोट करो ये चीजें उसको किसने बताया कि हम पठानों के अंदर गुस्सा ज्यादा है बदला ज्यादा है सब कॉन्शियस कॉन्शियसली कौ हम ये चीजें करते कहते हम सारा ह्यूमन कैपिटल या कश्मीरी लेते हैं या अबाबाद के लोग लेते हैं मैंने कहा क्यों कहते आर डेडिकेटेड दे आर कमिटेड टू देर वर्क अच्छा बहरहाल उसके साथ मेरी थोड़ी इंगेजमेंट हुई थोड़ी बातें हुई थोड़ी डिस्कशन हुई लेकिन मैंने फिर ये किया कि ये जो हमारा यंग है यू क्या आप सब सबको सरकार नौकरी देगी नहीं और भाई सरकार की नौकरी किसी को अब चाहिए ही नहीं नो बड़ी वॉन्ट्स दैट सरकार की नौकरी में क्या है कुछ भी तो नहीं बचा ना तो लिहाजा मेरे बच्चों आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यू आर नॉट लिविंग इन पिशावर नाउ यू आर नॉट लिविंग इन प्रोवेंस इन पुख्तनख्वाना हो यू आर ए पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल विलेज ग्लोबल विलेज में रहने के लिए अपनी शख्सियत और पर्सनैलिटी में वो प्रोग्राम्स डेवलप करो कि जो दुनिया तुम्हें खरीदे दुनिया तुम्हें उठाएं तुम्हें एक्सेप्ट करें तुम्हें सीखने का रास्ता दे तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाए और वही ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें मजीद चीज़ें सिखाए तीन चीज़ें ऐसी है कि जो तुम्हें रास्ता देगी एक, एक वो है आप ऐसे कुछ बच्चे इस सोचेंगे कि I, I, I don't have आई डोट हैव रिसोर्स आई नॉट वी डोट हैव एसेट वी डोट हैव I don't have car at home. मेरे वाले सब बीमार हैं। है. मैं काम भी करता हूँ, मैं सीखता भी हूँ। ये तो वसाइल वाले लोगों का काम है Totally गलत है तीन ऐसी चीजें हैं जो अब इस वक्त तुम्हारी जेब में पड़ी जिसको तुम potential skill में बदल सकते हो जिसको तुम potential wealth में बदल सकते हो ऐसी चीजें इस वक्त तुम्हारी जेब तुम्हारे हाथ में इधर कड़े हुए हर फर्द के पास है ख्वा वो काला है कि गोरा है सफेद है अमीर है गरीब है जहां से आ रहा है जैसा भी है आपको कुदरत ने तीन ऐसी चीजें दी है जिसको तुम दौलत की तरफ ले जा सकते हो और अपनी जिंदगी आसान बना सकते हो नंबर फर्स्ट योर एनर्जी बड़ी सिंपल है आप लोगों में एनर्जी है, है कि नहीं है ना एनर्जी है सेकेंड चीज यू हैव इन योर हैंड इट्स टाइम डेट ऑफ बर्थ से अभी तक देखो 18 साल की उम्र के हो बिलियन 20 साल की उम्र के हो लेने एयरो 25 से ऊपर हो गए थोड़ा हो, खतरा सामने आ रहा है 30 तक पहुंचे हुए हो खतरे पे खड़े हो 35 पर हो तो फिर उसके बाद भी मुमकिन है लेकिन कामयाबी दूर पड़ जाती है द फर्स्ट थिंग इन योर हैंड इज energy, डोंट वेस्ट इट डोंट ड्रेन इट यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी ऑन द डेली बेसिस वॉचिंग मूवीज वॉचिंग रील्स आर इनर्जी इन यूर हैंड कैन इजिली बी टर्न इन टू पोटेंशियल वेल्थ हाउ लुक एवरी सिंगल बडी हैजू ड्रॉ दिस विजन और मिशन किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट उठाकर देखा जा सकता है किसी स्कूल के एंट्रेंस के दीवार पर लिखा होता है विजन क्या है मिशन क्या है बड़ी मास्टर पीस बात करूर से सुनो You have three things in your hand. Number first is your energy. Number second is your time. And the third is your will. Will power. ये होती नहीं है डेवलप करनी पड़ती है आपके जहन में बहुत सारे ख्याल होंगे तबाहकुन आइडियाज होगी ऐसी दुनिया माल होगी लेकिन कर नहीं सकोगे क्या करो तुम्हारे साथ 99% आज के जदीद दौर के इस रीजन के बच्चों के पास आइडिया है स्टार्ट नहीं ले सकते विल पावर। वेन यू एंगेज विद दिम एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दम ऐसी जहान खड़ी कर देगा तुम्हें वालामस का बच्चा है लेकिन शुरू नहीं कर सकता स्टार्ट नहीं कर सकता इनिशिएट नहीं कर सकता एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अगर चल भी पड़े तो रास्ते में रुक जाता है थोड़े वक्त चलता है फिर रुक जाता है चीजें हैं इस वक्त आप सब के पास जिनके लिए पैसा शोरत दौलत लिगेसी माल हाल कनेक्शन सिफारिश की जरूरत नहीं है द फर्स्ट थिंग इज योर एनर्जी सबके हाथ में सेकेंड योर टाइम टाइम है तुम्हारे पास एंड द फोर्थ विल जो आपने डेवलप करनी है आप गौर से सुने टाइम और एनर्जी को मिला के विजन तक कैसे पहुंचाएंगे यह समझने की कोशिश करें विजन वो है जो तुम करना चाहते हो दिस इज यू ये आपका फ्यूचर है डॉक्टर बन रहा हूं विजन है ई e कॉमर्स में आगे बढ़कर डॉलर कमा रहा हूं तुम्हारा विजन है इंजीनियर बन रहा हूं तुम्हारा विजन है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन रहा हूं तुम्हारा विजन है एकेडमी बनानी है तुम्हारा विजन है मदरसा बनाना है तुम्हारा विजन है ई e कॉमर्स में Amazon पे काम कर रहे तुम्हारा विजन है दैट्स योर विजन राइट इस विजन की कोई हैसियत नहीं है एनर्जी टाइम ड्रेन होगी अगर यह जगह खाली रहेगी यह सवाल या निशान नहीं होना चाहिए विजन विजन बनता तब है जब मिशन में कुछ हो ड्रेन कहां होते हो आप मारते कब हो खुद को जलील कब होते हो तुम गिरते कब हो तुम अमलूक के तौल पर जाते तब हो जब विजन में कुछ और मिशन में कुछ और बनना चाहते हो डॉक्टर सारा दिन फिल्में देखते हो बनना चाहते हो इंजीनियर सारा दिन टिकटॉक बनाते हो बनना चाहते हो स्पोर्ट्समैन सारा दिन सोते रहते हो बनना चाहते हो ई कॉमर्स गुरु डॉलर्स कमाना चाहते हो सारा दिन जो है आप ऐसी फजूलियात में मसरूफ हो कि जो उस तरफ एनर्जी नहीं दे रही मिशन वो है जो अब तुम इसके लिए करते हो विजन विजन तब बनता है जब मिशन उसको लिंक कर रहा हो स्टूडेंट हो प्री मेडिकल की डॉक्टर बन रहे हो लेकिन सारा दिन वो नहीं कर रहे हो जो आपके विजन को फ्यूल करे तो मेरे बच्चों अगर अपनी एनर्जी को दौलत पे डालनी है ना अपनी टाइम और एनर्जी को रियल वेल्थ पे डालनी है तो इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप करो इफ यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर आप सबसे पहले मेडिकल साइंसेस की ऐसी केस स्टडीज पढ़ो ऐसी थ्यूरीज पढ़ो मेडिकल साइंस इंटरनेट में सर्च करो डॉक्टर्स की जिंदगी को पढ़ो बायोलॉजिकल साइंसिस के अंदर नए होने वाले रिसर्चिस उठाओ और अभी से एक्ट लाइक अ डॉक्टर सो एक्शन विल एक्चुअली लीड यू टू बिकम एन एक्सलेंट डॉक्टर अगर आप ये समझ रहे हो कि सेकेंड ईयर के बाद के या औरे के मेडिकल कॉलेज के एडमिशन मिलाओ शिबियाम अ डॉक्टर नट द वन जिसको दुनिया कीमत पर उठा लेते देखते हो कि फिरारी खरीदनी है ख्वाब देखते हो कि डॉलर की बारिश होगी मैं भी गिनूंगा बड़े से बंगले में रहूंगा यह मुमकिन है इट्स पॉसिबल मिलियनियर बन सकते हो डॉलर्स कमा सकते हो गाड़ियां खरीद सकते हो प्रॉपर्टीज उठा सकते हो इट इज पॉसिबल इफ यू कीप इट एज योर विजन एंड इफ यू फ्यूल योर विजन ऑन द बेसिस ऑफ योर मिशन वॉट यू हैव नाउ इन योर हैंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्टूडेंट इज दे ड्रीम समथिंग एल्स दे एक्ट समथिंग एल्स दे वॉन्ट टू बी एन एथलीट But they don't practice. They want to be a doctor, but they do rata gota and knuckle and hal ki khridari or farogat or numbers. They want to be an Amazon expert and seller, but they don't know about the demand and supply and market psychology. They want to do trading, but they don't want to know about the situation, what is happening around the globe. That's totally wrong. <laughs> सो द फर्स्ट थिंग यू हैव इन योर हैंड दैट यू कैन टर्न इन टू वेल्थ क्रिएशन रास्ता तुम्हारे लिए बना सकती है जो तुम्हारे पास है वक़्त है और तुम्हारी एनर्जी है अब वक़्त भी है एनर्जी भी है मैं ये ख्याल भी है एक विजन भी है कर नहीं सकता मैं यू डोंट हैव द वेल पावर दैट्स एक्चुअल प्रॉब्लम वेल पावर नहीं हमारी आदत में नहीं है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है ही नहीं ऐसी चीज़ हमारे सामने किसी ने एज एन एग्जाम्पल ऐसा एक्ट ही नहीं किया हमने अभी तक फिल्म मूवीज ड्रामा में सिर्फ ये चीज देखी है कि कोई लड़की घर से हो उठाकर ले जाओ किसी के मोहब्बत में घर को जाओ किसी को हाथ खींचते हुए रेलगाड़ी में खींच लो ये बाल छोड़ के पागल हो जाओ किसी के इश्क में कुछ तो फिल्म और ड्रामों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बनाई हैं वो तो पकड़ो छम बड़क से नहीं सही हुई। जो सब कॉन्शियस माइंड में तो क्या ख्याल पकेगी क्या आप दुनिया को कुछ डिलीवर कर सकेंगे नेवर नॉट इट ऑल चेंज योर सब कॉन्शियस माइंड चेंज द बिहेवियर ब्रिंग इट इनटू कॉन्शियस माइंड ब्रिंग इट इनटू एक्शन यू डेवलप योर विल पावर हमारी विल पावर नहीं क्यों फिजिकली फिट नहीं आप जाए मैं आपको अभी 99% नाइन परसेंट श्योर कहता हूँ अपना वज़न करें अपना वज़न करें अपना डेट ऑफ बर्थ एज देखें और इंटरनेशनल हेल्थ की जो स्टैंडर्ड्स है कि किस एज में कितना वज़न होना चाहिए किस एज में कितना कद होना चाहिए किस एज में हाइट कितनी होनी चाहिए आप यकीन करें दुनिया में जो इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड है उसमें पूरे ही नहीं उतरते हम क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं मिली हमें वो वो गजाई नहीं मिली वो एक्सरसाइज ही भी नहीं मिले तो वो दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ तो दिस इज वॉट आइडियाज भी होगी जवानी भी होगी एनर्जी भी होगी टाइम भी होगी हासिल कुछ भी नहीं होगी विल पावर नहीं तो मेरे बच्चों मेरे आज के सेशन में जो मैंने आपको पैगाम पहुंचानी थी वो ये है कि आपके पास जेब में रुपया भी नहीं है आप जिस रंग नस्ल कलर जहां से आते हो अगर तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी है और तुम्हारा मिशन और विजन एक दूसरे को लिंक कर रहा है उसके दरम्यान कोई कन्फ्लैक्ट नहीं है और आप फिजिकली खुद को फिट करके अपने विल पावर बनाते हो तो तुम्हारी एज ही तुम्हें खिलाती है तुम्हें बनाती है तुम्हें आगे ग्रो करती है ठीक है मेरे बच्चों आज के लिए ये हमारा सेशन था ये अपने आप को मामूली बिल्कुल ना समझे अपने आप को मायूसी में भी ना डाले अपनी गुर्बत और अपनी चैलेंज से बदजन भी ना हो मैंने हमेशा उस किरदार को जिंदगी में मजबूत ग्रो होते देखा है जिनकी जिंदगी में ज्यादा चैलेंजेस आई है मैंने हमेशा मिजरेबल लोगों को तेजी से ग्रो होते देखा है कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं करता एक रॉन्ग मेंटालिटी हमने अपनी सबकॉन्शियस माइंड में लगाई है कि रिसोर्सिस होगी तो कुछ काम होगा कनेक्शंस होंगे तो कुछ काम होगा कोई सिफारिश लगाएगा तो कुछ काम होगा ये भाई हेल्प करेगा तो शायद हो जाएगा इधर एडमिशन मिल जाएगी तो शायद हो जाएगा दीज आर द दिसकैल्कुलेशन ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड

परेशानियाँ इनके करीब ज़्यादा है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है बनस्बत उनके जिनको कम्फर्ट जोन हासिल हो समझ रहे ना बच्चों मेरी बात mm. तो नेवर एवर थिंक ये तुम कोई मैं तो सर वो गांव से चूंकि मदरसे से पढ़ के चूंकि वो मैं मे, मेरे बाप बड़े वो रेड़ा चढ़ा आते हैं वो जी मेरे भाई जो है वो गिलकार है बेचारे दीज दीज आर द मिस कैलकुलेशन यू आर टेलिंग योर प्रोग्राम यू आर नॉट डूइंग इट यू कैन नॉट डू इट हाउ कैन यू ब्रेन एक्ट देन नहीं समझे बच्चे मेरी बात तो एहसासी कंट्री भी बड़ी डेंजरस है नेवर एवर लिव इन इट यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑन योर एज एंड यूर यंग यू यंग यू कैन डू इट गो द चैलेंजेस चैलेंजेस आर एक्चुअली गिविंग यू अ पीस ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन माय सेशन व्हिच यू कैन नॉट फाइंड फ्रॉम एनीबॉडीज बुक व्हिच इज नॉट Anywhere in the library, the piece of knowledge and energy you get from the action you take. You don't take action because you have already programmed and assumed your mind that your father has never done it. Nobody in your family have ever done it. There is nobody who could do it. I'm poor. I cannot do. I don't have resources. Conditionality, conditionality, conditionality. You lose something which Allah Almighty has given you. That is time and energy.

ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के दरमियान जो ब्रेकर आता है जिस ब्रेकर के अंदर नॉलेज पड़ी है वो हाथ से निकल गई आगे ग्रोथ नहीं कर सकते